यूपी में युवा चेतना ने किया सामाजिक काम। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने किया कमाल। जनता की जरूरतों को रोहित सिंह कर रहे पूरा। बलिया पहुंचे युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह जनता के बीच पहुंचकर उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और उनकी जरूरतें पूरी करने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बलिया में गांव वालों को पंखा वितरित किया है। बता दें कि देश के लोकप्रिय युवा नेता हैं रोहित कुमार सिंह, पूर्वांचल में उनका जलवा है। ऐसे में लोगों के बीच पहुंचे रोहित सिंह ने कहा कि हम बिना स्वार्थ के समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। हम गरीब और वंचित वर्ग को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने रोहित सिंह के इस नेक काम की खूब सराहना की और उनको आशीर्वाद भी दिया, जिसके बाद युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बलिया में युवा चेतना के द्वारा गरीब वंचित असहाय बेसहारा लोगों के बीच पंखा का वितरण किया जा रहा है। हमारी लड़ाई समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का है। हमारा प्रयास है खेत में खुरपी चलाने वाला किसान और मजदूर का संतान भी समाज में अपनी भूमिका को निभाए, आगे आए और भारत माता के वैभव को हिमालय से ऊंचा लेकर जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की इस लड़ाई में, इस महायज्ञ में अपने श्रमदान की आहुति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देने का प्रयास करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। देश को आगे बढ़ाना है, गरीबों को वंचितों को आगे ले जाना है। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज्यादा इस देश में शासन किया, लेकिन कभी गरीब वंचित और असहाय के लिए सोचा? देश में जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने वंचितों को आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको आगे ले जाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई, उसने नेहरू गांधी परिवार के लोगों को जीवित रहते देश का सर्वोच्च सम्मान देना मुनासिब समझा, लेकिन पिछड़ों, वंचितों, दलितों के रहनुमाओं को देश का सर्वोच्च सम्मान देना उचित नहीं समझा। युवा चेतना स्वतंत्र रूप से गरीब और वंचित वर्ग को समाज में आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, देश भर में सबको संगठित करने का प्रयास जारी रखेंगे।